हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडोफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर के बारे में, साथ ही साथ हम लोग इसके टाइप हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि रेक्टिफायर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफायर क्यों आया। तो रेक्टिफायर एक सिंपली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। जो डिवाइस उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। ये हमने यहाँ पे जाना। अब सबसे पहले जानेंगे रेक्टिफायर की ज़रूरत क्यों हुई। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एसी और डीसी में थोड़ा सा डिफरेंस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक सर्किट लिया है, उसमें एक बल्ब लगा हुआ है, दोनों में एसी सोर्स और डीसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का हमने दोनों यहाँ सोर्स लिया। एसी करंट क्या होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसमें जो करंट होता है वो इस डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा, लेकिन कैसे। एसी में क्या होता है, जो पोलैरिटी होती है वो लगातार चेंज होती है। जैसे प्लस माइनस इधर की तरफ है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और कुछ टाइम बाद प्लस इधर हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी कि एसी में जो करंट होता है वो इस तरह से फ्लो होता है, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट इंक्रीज़ करेगा, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट इंक्रीज़ करेगा, फिर फॉरवर्ड में, फिर बैकवर्ड में, इस तरह से करंट फ्लो होता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसे फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एक बैटरी होती है। सिंपली डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है वो होती है बैटरी या फिर सेल। आप बैटरी या सेल को डायरेक्ट करंट का सोर्स कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस माइनस, करंट जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है, तो करंट केवल इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फ्लो होगी, ना कि इस डायरेक्शन में भी, ना कि इस डायरेक्शन में भी। तो ये हमने समझा एसी और डीसी में डिफरेंस। डीसी का हम इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, और एक होता है पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, तो वो इस तरह से होता है, इस तरह से, यानी कि केवल फॉरवर्ड में ही करंट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट नहीं होगा। तो ये हमने एसी और डीसी में स्लाइट डिफरेंस जाना। अब हम जानेंगे कि रेक्टिफायर की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर। तो हमारे यहाँ जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो उसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं जो एसी पे नहीं काम करते हैं, एसी पे काम नहीं करते हैं, वो डीसी पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में क्या होती है, बैटरी होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं एसी सोर्स आता कहाँ से। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम एसी सोर्स कहेंगे, और डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है, बैटरी या फिर सेल। बैटरी या फिर सेल किसका सोर्स होता है, डायरेक्ट करंट का। तो हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं जो केवल डायरेक्ट डीसी पे ही काम करते हैं, एसी पे काम नहीं करते। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, रेक्टिफायर की। जैसे कि हमारे मोबाइल में क्या लगा होता है, बैटरी। अब बैटरी आप जानते हैं डीसी पे काम करता है, बैटरी किस पे काम करता है, डीसी पे। तो जब बैटरी लो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो जो हमारा चार्जर होता है वो एक तरीके से रेक्टिफायर का काम करता है। किसका काम करता है, रेक्टिफायर का। ठीक उसी तरह से लैपटॉप का भी चार्जर जो होता है वो भी रेक्टिफायर का काम करता है, क्योंकि लैपटॉप में भी बैटरी लगी होती है। तो ये हमने समझा कि रेक्टिफायर का यूज़ क्यों होता है। और कुछ ऐसी बैटरी भी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं और थ्रो करते हैं, मतलब वो रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये भी हम यहाँ पे जान चुके हैं। तो हमें पता चल गया रेक्टिफायर की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो कि डीसी पे काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे घरों में एसी सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, उस एसी को डीसी में चेंज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो ये हमने यहाँ पे जाना। आप जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है और हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसे रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। तो पीएन जंक्शन डायोड आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा होगा, हमने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ना कि अल्टरनेटिंग करंट की तरह इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में अलाउ नहीं करता है। जो डायोड होता है वो करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। तो इसका हम यूज़ करके जो बैकवर्ड डायरेक्शन की करंट है उसको हम ब्लॉक कर देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डीसी में चेंज हो जाएगा। इसका हम यूज़ करेंगे और हम करंट को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अब थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड में देख लेते हैं। जब यहाँ पे मान लीजिए ये पी है, ये एन है, इसका सिंबल अगर आप देखना चाहेंगे तो एक एरो हेड होता है और एक ऐसा स्लाइड होता है, इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। ये पी होता है, ये एन होता है, इस तरह से अगर सिंबल है तो आप समझ लीजिए वो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब करंट फ्लो होती है कब, जब पी वाला पॉजिटिव से एन वाला निगेटिव से कनेक्ट हो, यानी हम कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है। अगर हम यहाँ पे अपोजिट कर दें, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स बायस।
और रिवर्स बायस में जो होता है करंट नहीं फ्लो होता है, यानी कि हम इसका यूज़ करके एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएंगे, एक डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करेंगे। अब हम एसी की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रांसफार्मर को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि घरों में जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा वोल्ट की, और आपकी मोबाइल की बैटरी छोटी सी होती है, उसको कम सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो हम ट्रांसफार्मर का भी यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर का, क्योंकि भाई हाई वोल्टेज है और लो वोल्टेज में हमको बदलना है, तो किसका यूज़ करेंगे? ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे शॉर्ट में। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक मटेरियल हो सकता है, आप कह सकते हैं ये मटेरियल जो है सॉफ्ट आयरन का है, मान लीजिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है। उसमें क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, इससे ऐसे ऐसे लपेटा हुआ होता है सर्कुलर टर्न, प्राइमरी कॉइल होता है, एक होता है सेकेंडरी कॉइल, इस तरह से यहाँ। और हम प्राइमरी कॉइल को क्या कहते हैं? एसी सोर्स देते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे करंट हम सप्लाई करते हैं, वोल्टेज सोर्स देते हैं एसी सोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एसी सोर्स जब हम देते हैं तो करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो आप जानते हैं जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके उसमें उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके आसपास। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है फिर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी कि करंट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब लगातार चेंज होता है करंट में तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होता है तो उसके आसपास जो कॉइल लगता है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसमें भी करंट फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफार्मर में होता है, इसमें हम सप्लाई करेंगे और इसमें भी करंट फ्लो करने लगेगा। ट्रांसफार्मर में इस तरह से होता है। इसको मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। इस तरह से होता है। अब बात करते हैं कि हमें कम ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कैसे बदलना है। स्टेप, तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दो तरह के होते हैं। जैसे आपके घरों में ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई है तो कम वोल्टेज आपके मोबाइल को चाहिए, आपके बैटरी को चाहिए, तो क्या करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। और जब आपके घरों में, जब मान लीजिए किसी भी डिवाइस को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और कम वोल्टेज की सप्लाई है तो हम यूज़ करेंगे स्टेप अप का। लेकिन ज़्यादातर केसों में हम लोग स्टेप डाउन का यूज़ करते हैं। अब स्टेप डाउन क्या होता है, इसको यहाँ पे आप जान लीजिए। स्टेप डाउन ये होता है कि जैसे मान लीजिए प्राइमरी कॉइल जो होता है वो ज़्यादा सर्कुलर टर्न का, ऐसे से ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो कम कर दें, तो वो बन जाएगा स्टेप डाउन। स्टेप अप कब होता है? जब प्राइमरी वाला कम कर दें और सेकेंडरी ज़्यादा कर दें, तो वो हो जाएगा स्टेप अप। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का सिंबल भी आप देख सकते हैं, इसको हम सिंबल के रूप में इस तरह से करेंगे, जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरह से देखा। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, रेक्टिफायर। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कभी। अब हम देखेंगे यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे ये हम देखेंगे, तो पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव क्या होता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखिए आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से मतलब फ्लो होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, इसको हम कह सकते हैं फॉरवर्ड, इसको हम कह सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है। और इस यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं एक साइकिल, वन साइकिल। क्या कहते हैं? वन साइकिल। इसको आप हाफ साइकिल कह सकते हैं, इसको भी आप हाफ साइकिल कह सकते हैं। तो ये आपने समझा एसी को। और हमें डीसी में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, भाई केवल फॉरवर्ड में ही होना चाहिए करंट, इस तरह से भी होना हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है कि ऐसे करंट फ्लो हुई फिर रुक गई, फिर ऐसे करंट फ्लो हुई फिर रुक गई, फिर ऐसे करंट फ्लो, इस तरह से होना चाहिए। तो इसी तरह से दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव और फुल वेव। कि मतलब एसी को डीसी में हम चेंज करेंगे तो केवल फॉरवर्ड यानी ऊपर का ही रहेगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा, रिवर्स का गायब हो जाएगा, तभी तो एसी को डीसी में करेंगे। तो यहाँ पे केवल ऊपर वाला कब रहेगा, जब हम डायोड का यूज़ करेंगे, और जब इस तरह का पैटर्न आपको मिले ऊपर वाले की तरह, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह, तो इसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वेव बना फिर यहाँ से गायब हो गया, और कुछ जगह भी बच गई, फिर एक वेव बना फिर गायब हो गया, फिर जगह भी, और इस तरह का जब वेव बनेगा तो इसको हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? फुल वेव। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डायोड का यूज़ किया है, पीएन जंक्शन डायोड का, और यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया है, यहाँ पे ये प्राइमरी P1 P2 टर्मिनल, यहाँ पे सेकेंडरी का S1 S2 टर्मिनल, इस तरह से हमने लिया है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है RL।
तो जब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, अब आप जानते हैं कि ये एसी सोर्स है तो करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन यानी रिवर्स में भी फ्लो होगी। तो जब फॉरवर्ड में फ्लो होगी तो ये पॉजिटिव की तरह और ये निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए फॉरवर्ड में गई तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तब ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होगा वो होगा फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आप जानते हैं कि पी वाला प्लस से एन वाला माइनस से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी तो पी वाला प्लस से और एन वाला माइनस से कनेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एन वाला माइनस से कनेक्ट है और पी वाला प्लस से कनेक्ट है। तो क्या होगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन आप जानते हैं एसी जो होता है मतलब अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। अब करंट क्या होगी, मान लीजिए कुछ टाइम बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि निगेटिव से पी जब कनेक्ट होगा, जब पी वाला निगेटिव से कनेक्ट होगा तो हम उसको कहेंगे रिवर्स बायस। क्या कहेंगे, रिवर्स बायस। जब पी निगेटिव से एन पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो हम उसको कहेंगे रिवर्स बायस। इस कंडीशन में करंट नहीं फ्लो होगी। पहले वाले कंडीशन में करंट फ्लो होती है, दूसरे कंडीशन में करंट नहीं फ्लो होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक तरफ के करंट को ब्लॉक कर देंगे, एक तरफ के करंट ब्लॉक कर देंगे। मतलब फॉरवर्ड के करंट को फ्लो करवा रहे हैं, रिवर्स के करंट को ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इस तरह से मान लीजिए हमने इनपुट वोल्टेज दिया एसी वोल्टेज, भाई एसी तो इस तरह से होता ना फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में। तो हमें क्या मिलेगा कि फॉरवर्ड में जब ये होगा, मान लीजिए हमको फॉरवर्ड ये प्लस ये माइनस, तो करंट फ्लो होगा। फिर जैसे कि ये रिवर्स में होगा पोलैरिटी चेंज होगी तो करंट रुक जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद फॉरवर्ड में होगा फिर करंट फ्लो होगा, फिर बैकवर्ड में होगा फिर करंट नहीं फ्लो होगा। इस तरह से आपको हाफ वेव मिलेंगे यहाँ पे। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे आप नोट्स को भी देख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर ये गायब हो गया बीच में। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाती है, कुछ देर के लिए रुक जाती है, फिर करंट फ्लो होती है फिर रुक जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर का डेवलपमेंट किया, क्योंकि भाई हमको ऐसा नहीं डिवाइस नहीं चाहिए कि जो मतलब करंट को थोड़ी देर के लिए रोक दे फिर करंट को फ्लो करवाए, फिर रोक दे फिर फ्लो करवाए, ऐसा डिवाइस हमको नहीं चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम दो डायोड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड में होगा तो ये रिवर्स में हो जाएगा, ये रिवर्स में होगा तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। इस तरह से हमारा फुल वेव बनने लगेगा। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें कैसा होता है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एसी सोर्स लिया, सेम टू सेम वैसे ट्रांसफार्मर लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने सेंट्रल टैप का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है, सेंट्रल टैप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी, ये क्या करता है, ये समझ लीजिए दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अब जब इसमें करंट फ्लो होगा, और हमने यहाँ पे दो डायोड लिया D1 और D2, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डायोड हमने लिया है D1 और D2। तो जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये वाला मान लीजिए फॉरवर्ड में है तो ये प्लस, और ये टी वाला तब इसके रिस्पेक्ट में जो होगा वो निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड में होगा क्योंकि ये पी वाला प्लस से एन वाला माइनस से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड में होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो हमें इस तरह से मिलेगा। अब जैसे ही इसके पोलैरिटी चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा और ये हमारा H2 जो होगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि भाई ये हमारा निगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या होगा, अब हमारा ये P वाला पॉजिटिव से इधर है और N वाला निगेटिव से है, ये सेकेंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाले में करंट फ्लो होगा तो हमें इस तरह से पैटर्न मिलेगा, और फर्स्ट वाले में नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाले में निगेटिव है ये, और ये अब पॉजिटिव हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। इस तरह से हमें पैटर्न मिलेगा। फिर इसमें ब्लॉक हो जाएगा करंट, फिर इसमें फ्लो होगा, फिर इसमें ब्लॉक हो जाएगा, फिर इसमें फ्लो होगा, ऐसे मतलब साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। इस तरह से हम इनपुट वोल्टेज देंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव जो है वो फुल है, तो इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे आप नोट्स को यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के ही कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।